राती साड़ी दुकान पर 3-4 मुंडे ने हमला किया है। उन्होंने आके मेरी दुकान पर हमला करता। 5-7 मुंडे आए ने कल, तोड़फोड़ की है मेरी दुकान पर, मेरे भरा कुटिया, मैनू कुटिया, मेरे लेबर आलियां भी कुटिया है। तुसी वेख सकते हो किस तरह इन्होंने गुंडागर्दी फैलाई है, किस तरह एक आम बंदे नू कुटिया गया है। साढ़े को अंदरों फड़ के गिरेबान तो फड़ के कुटिया गया है। मेरा बच्चा काम करते, रोटी कमाते, रोटी नहीं कमा देंगे लोग। भाई सीधे मुंह गल ही नहीं करते यार, मैं सवेर का आया 11 बजे का। किस तरह उन्होंने कहना कि तुम अंदर आओ, बाइट कर रहे हो मीडिया के अगे, लेकिन वो कहते कि थोड़ी असी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मौजूद असी लुधियाने थाना डिवीजन नंबर 3 के बाहर, जिथे एक पीड़ित परिवार जिहड़ा कि अपना इंसाफ की गुहार लैके थाने के बाहर पहुंचा है, तो गलबात करांगे ते जानांगे की है पूरा मामला जी। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम रवि कुमार है जी। अज तुसी थाना डिवीजन नंबर 3 के बाहर खड़े हो, की मामला की? सर असी इस करके खड़े हो कि राती साड़ी दुकान पर 3-4 मुंडे ने हमला किया है, तो हाले तक साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और रिगार्डिंग असी इत्थे खड़े हुए तो बुलाया इस करके। किस चीज़ की दुकान है तुहाडी, की नाम है दुकान? मेरा रवि स्पाइसी चिकन पॉइंट के नाते है, मोहर सिंह नगर चड्डा पुली के चिकन कॉर्नर है। तो मेरे को मुंडा काम करता सी, डेढ़ साल पहला ये दूसरी पार्टी है जिहड़ी, वो पट के लै गए सीगे उहनू, ते मैं उहनां दी दुकान ते एक बार भी नहीं चाक्या, ना मैं गया कदी उहनां दी दुकान ते कि हाँ भी मेरा बंदा क्यों लै गए हो। बट जब वो बंदा बाद च मेरे कोल फिर अपने आप काम ते आ गया, ते इहनां नूं मर्चां लग गईआं ने या जो मर्जी कह लो तुसीं, उहनां ने आके मेरी दुकान ते हमला करता। 5-7 मुंडे आए ने कल, तोड़फोड़ की है मेरी दुकान पर, मेरे भरा कुटिया, मैनू कुटिया, मेरे लेबर आलियां नूं भी कुटिया आ। हुण जिहड़ी लड़ाई हुई है वो किस कारण हुई जी? हुण इस करके हुई कि मेरे को कारीगर जिहड़ा वापस आ गया, वो रिगार्डिंग लड़ाई हुई है जी। मैं उन्होंने कहा कि हाँ भी जे तुहाडा कोई लैण देण हैगा तुसीं अपना बाहर निपटो, मेरी दुकान के अंदर कोई काम नहीं हो सकता इदा दा। मेरे चलते काम के आए ने, तोड़फोड़ की है, लड़ाई की मेरे नाल, हथोपाई की, मेरे भरा के गिरेबान नूं हथ पाया है। ये तो कोई इंसाफ चाहिए सानू तो, कि हाँ भी मार्केट के बैठे असं 8-10 साल हो गए सानू इस ये काम करते हुए, साड़ी एक परसन नाल भी तू तू मैं नहीं हुई कभी। उन्हों का भी सेम काम है जी, चिकन का ही काम है, उन्होंने चीमा चौंक काम है जी। अच्छा, चीमा चौंक काम है, तो जिहड़ा तुसीं दस रहे हो कि तुहाडे ब्रदर नाल कुटमार हुई है, तो किन्ने बजे का मामला है, तो कोई इहदी सीसीटीवी फुटेज है तुहाडे? सारी साडे कोल सीसीटीवी फुटेज हैगी जी, 11:15 बजे का मामला है जी, 11:15 बजे बंदे आए ने, तो तुसीं सारियां वीडियोज़ वगैरह असीं तुहानूं दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तुसीं अपने चैनल पर चला सकते हो। तुसीं वेख सकते हो किस तरह इन्होंने गुंडागर्दी फैलाई है, किस तरह एक आम बंदे नूं कुटिया गया है। साढ़े को अंदरों फड़ के गिरेबान तो फड़ के कुटिया गया है। मतलब की लगते थोड़े? मेरा पुत्र है। हाँ जी, मेरा बच्चा काम करते, रोटी कमाते, रोटी नहीं कमा देंगे लोग। ये लोग हुण तुसीं जिहड़ा इत्थे थाने पहुंचे हो, कल रात का थोड़ा बेटा दस रहा कि 11:15 का मामला है, तो अज हुण करीब 7 बज चुके ने शाम दे, कोई सुनाई नहीं हो रही, साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही, 7 बज गए ने, साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई कभी कहते नहीं करन जाना, कभी कहते कुछ कर जाना है, अजे तक सानू पुछ कोई फैसला नहीं किया, कभी 5 बजे बुलाने, कभी 7 बजे बुलाने, 7 बज गए ने असीं खड़े आ थाने दे विच। एफआईआर कराना आए सीगे कि एफआईआर करानी है सी, पर हाले तक कोई एफआईआर नहीं होई। लेकिन की कहना है इत्थे जिहड़े पुलिस अधिकारियों का की कहना जी? हाँ जी, जी इन्हें जो पुलिस सर, मैं तो यही चाहना जी, एक सीधी जी मंग साड़ी है कि इंसाफ मिले सानू बस। भाई ये सीधे मुँह गल ही नहीं करते यार, मैं सवेर का आया 11 बजे का, पहला कहते दोपहरे आऊँगा 1 बजे कि इन्वेस्टिगेशन है, 1 बजे आऊँगा तो मतलब सारा वेरवा देख आऊँगा, तो हूँ 7 बज गया, असं आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि हूँ जिस तरह उन्होंने कहना कि तुम अंदर आओ, बाइट कर रहे हो मीडिया के अगे, लेकिन वो कहते कि थोड़ी असी सर तुम देख के तो कहना ही है, उन्होंने तुहानू देख के कहना ही है, उदा दसो जो काम करना होंगे तो सवेर देखो कितने सके। चलो जिन्हों के वालों मारकुट की गई है उन्होंने बुलाया गया इतना सर? हाँ जी बुलाया इन्होंने सर, पर आप राजीनामा नहीं करना भाई, आप एफआईआर करानी बस, जरूर परिवार के वालों जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपना जो सा चिकन कॉर्नर का काम है, लेकिन कल रात 11:15 का मामला सी, सवेरे 11 बजे इतने इतने थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सानू अपना एक सिर्फ कह सकते कि लारे ही लगाए जा रहे हैं, सानू कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। सो गलबात करने की जी कोशिश करांगे थाना डिवीजन नंबर 3 के जो पुलिस अधिकारी ने, सो इस मामले के सानू जानकारी देंगे।
सो जिस परिवार के नाल असी गलबात कर रहे थी जिन्हों के वलों आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिहड़े दूसरे दुकानदार ने जिहड़ा जिन्हों का सेम काम है जिन्हों वलों साडे कारीगर नूं जिस तरह की पट्टिया गया लेकिन वह भी साडे नाल मौजूद ने गलबात करने लई तां उन्हां को भी जाणांगे कि यह लड़ाई का की मामला है। भाजी लड़ाई इदां है, कल असी गए सीगे इन्हां दी दुकान ते प्यार नाल गल करन गए सीगे कि जी तुसीं साडा कारीगर पट्टिया इदां दा गला साडा कारीगर सानूं दिओ असीं इन्हां आपां नहीं बैठनी है साड़ी असी कारीगर नूं फड़िया उत्थे साड़ी इन्हां नाल कोई लैणा नहीं कोई देना नहीं असी कारीगर नूं फड़िया असी कहा तू बाहर आ जा वीरे साड़ी आपसी गल है असी आपस च कर लैंदे आ इह कहिंदे जी साड़ी दुकान घंटे बाद बंद होनी तुसीं घंटे डेढ़ बाद आयो घंटे डेढ़ बाद आ के तुसीं गल करो साडे नाल जो करनी है इहनां दी जदों दुकान बंद हो गई उस तों बाद असी इहनां दी दुकान ते गए हाँ असी कहा कि असी लड़न नहीं आए असी कुछ नहीं करना है असी अपने कारीगर नाल हिसाब करना है जो भी है साड़ी आपसी गल है जो भी असीं उहनां कोल पैसे लैणे आ जिन्ने भी ने ठीक है जी ते इह अंदरों गए ने कहिंदे तुसीं साडी पहले आ के तुसीं इह कीता साडी दुकान ते साडी बेइज्जती कीती इह कीता अंदरों पाना कढ लिया मारन वास्ते माँ भैन दी इन्हां ने गालां कढ़ियां उस तों बाद साडे नाल हत्थों पाई हो गई इन्हां दी बहुत ज़्यादा ते इन्हां ने मेरे पाने मारे बहुत ज़्यादा मेरी पिट पूरी छिली पई है उह तुसीं तुसीं एक पासे उह वी कह रहे ने कि कारीगर जिहड़ा साडे को कम करदा सी ते तुहाडे वल्लों पट्टिया गया लेकिन तुसीं कह रहे साडे को कम करदा सी इह की मामला जी भाजी इहनां को कारीगर ने कम किया सिर्फ 3 दिन ठीक है मेरे को 2 साल का लगा होया जी उह मेरी शॉप हैगी है चीमा चौंक जिन्हों को मर्जी पूछ लियो उत्थे जाके भावें इंक्वायरी करा लो 2 साल तो बाद पिंड गया सीधा इन्हों को आ गया ही कारीगर इन्होंने कारीगर पट्टिया इन्हें साडा कोई रोल नहीं। हाँ जी जिहड़ा तुसीं दस रहे हो कि हाथ दे उत्ते मेरे एक जिहड़ा कि पाना मारिया गया जिहड़ा तुसीं दस रहे हो तो लेकिन उन्हां दा कहना कि साडे को CCTV फुटेज हैगी है जिहदे विच तुहाडे वल्लों जिहड़ा हमला किया गया लेकिन तुहाडे कोई एविडेंस है कि जिहड़ा कि उन्हां दे वल्लों हमला किया गया भाई जी उन्हां दी अपनी CCTV फुटेज है जी उन्होंने दुकान के बार अगले ने एडिट करती होनी वो थोड़ी दिखाएंगे जो उन्होंने मारिया वो तो मेरे जी निशान पे ने लाशा पे मेरा हाथ टुटा है मेरी MRI वो देख लो मेरा स्कैन देख लो वो तो दस देना जी ये CCTV फुटेज नहीं बोलती वो तो दस देना सारा कुछ। हाँ जी हुण तुसीं थाने पहुंचे हो दोनों धिर थाने पहुंचे लेकिन उन्होंने कहना कि असी सवेरे 11 बजे पहुंचे सानू इंसाफ नहीं मिला लेकिन तुसीं किस तरह की मांग करते हो जी इंसाफ की भाजी असी भी सवेरे 11 बजे आए थे इन्होंने अपनी दरखास्त दी असी अपनी दरखास्त दी इस तो बाद हम जो बनती कार्रवाई है थाने वाले करेंगे असं तो आप चाहते कि सानू इंसाफ मिले खाली इन्हों भी गलत नहीं इन्होंने साडे भी गलत किया अपनी गलतियां पर्दा पा रहे हैं तो साडे पूरा इन्होंने गलत किया पूरा धक्का किया इन्होंने साडे सो देखा होना तस्वीर के बीच कि जोड़े 2 धिरों के बीच एक जोड़ा दुकान तो जोड़ा काम करने वाला प्रवासी जोड़ा है दिहाड़ी करने वाला है तो जिसनों लैके ये दोनों धिरों के बीच जी लड़ाई हुई है सो पहले असी जो गलबात की कि इस जोड़े एक पहले जोड़े परिवार के नाल जोड़े पीड़ित परिवार इतने पहुंचा जिन्होंने वालों दसा जा रहा कि रवि स्पाइसी चिकन साड़ी जी मोहर सिंह नगर के दुकान है तो साड़ी दुकान पर एक जोड़ा वर्कर काम करता सी तो दूजे दुकानदार ने जोड़े जिन्हों असी थानू भी जी गलबात करवाई जिन्हों का कहना कि साड़ी चीमा चौंक की दुकान है लेकिन उन्होंने वालों भी सेम आरोप लगाया जा रहा है कि जिहड़ा वर्कर है साडे काम करता सी लेकिन ये दोनों दुकानदार जिहड़े एक दूजे दे उत्ते आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं एक कहिंदा है कि साडा वर्कर सी दूसरा कहिंदा साडा वर्कर सी लेकिन दोनों जिहड़े हुण धिरने थाने दे विच पहुंचे ने जिन्हां दे वल्लों आरोप लगाए जा रहे हैं कि सवेरे 11 बजे दे असीं दोनों धिर थाने दे विच पहुंचे हां लेकिन साडी कोई किसे तरीके दे मामले सुनाई नहीं हो पा रही तो लेकिन हुण जदों असीं इस मामले संबंधी थाना डिवीजन नंबर 3 के जिहड़े जसविंदर सिंह सब इंस्पैक्टर ने उन्होंने गलबात करन दे विच असी जो कोशिश की तो उन्होंने वल्लों साडे नाल जिहड़ा कि गुरेज किया गया इस गल दे विच जिहड़ा कि गल करन दे कोई जवाब नहीं दिता गया सो देखना यह है कि हुण इस दोनों परिवार जिहड़े ने इत्थे पहुंचे ने जिन्हों के वल्लों एक दूजे आरोप लगाए जा रहे हैं देखना यह है कि हुण जिहड़ी थाना डिवीजन नंबर 3 के जिहड़े पुलिस अधिकारी ने इस जिहड़े दोनों धिरां दे विच इस मामले दे विच किस तरह की सुनवाई करते हैं तो दोनों परिवार नूं किस तरह का इंसाफ मिल पाता है तो हुण आने वाला वक्त दसेगा आने वाला समा दसेगा होर अपडेट लिए जुड़े रहो साढ़े चैनल CTM न्यूज़ नाल कैमरा परसन विकास नाल मैं कपिल गतियाल।